फॉर्मल्स हमें ना कौन से ओकेशन के अकॉर्डिंग वेयर करना चाहिए, और पहले की बात बताता हूँ। देखो, गूगल ने ना मुझे इनवाइट करा था किसी इवेंट के लिए। दोस्तों, आप कितने भी कूल दिखने के लिए महंगे कैजुअल से भी ट्रेंडी क्लोज क्यों ना पहन लो, बट जब कोई बंदा एक परफेक्ट फॉर्मल्स को वेयर करता है, फॉर्मल ड्रेसिंग करता है ना, तब भाई उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि आपने हमेशा से देखा होगा, जो फॉर्मल ड्रेसिंग होती है ना, तो उसमें आपका लुक तो ज्यादा शार्प होता है, साथ में आपका कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी दोनों को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है। वैसे एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बट यार, मेरे बहुत सारे भाइयों के साथ दिक्कत क्या हो जाती है ना, वो फॉर्मल ड्रेसिंग को मतलब रॉन्ग तरीके से, या फिर उनको ऐसे कुछ रूल्स पता नहीं होते, जिस वजह से वो फॉर्मल ड्रेसिंग में बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स करते हैं। और इसी को लेकर आज का वीडियो होने वाला, जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला आप लोगों के लिए। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब नंबर वन का जो रूल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले एक छोटी सी आप लोग चीज कर देना, आप लोग कमेंट में मुझे ये बताओ कि आप लोगों को फॉर्मल ज्यादा पसंद है या फिर कैजुअल्स। अच्छा, पॉइंट नंबर वन की बात करते हैं, वो है फिटिंग, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपने अक्सर देखा होगा, जो कोई बंदा फॉर्मल में ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है ना, तो सबसे पहले एक चीज को नोटिस करना, वो जो पैंट और शर्ट होते हैं तो उसकी फिटिंग बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होती है। क्योंकि भाई, एक बार आप कैजुअल में थोड़ा सा मतलब लूज कपड़े, या फिर मतलब थोड़ा सा अगर उसकी फिटिंग भी प्रॉपर नहीं होगी, ओवरसाइज होगा, फिर भी चल जाएगा। बट भाई, फॉर्मल के साथ ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब शर्ट की बात करो, देखो सबसे पहले उसके जो कॉलर्स होते हैं ना, तो वो कॉलर ज्यादा बड़े नहीं होना चाहिए, या फिर ज्यादा छोटे भी नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे फॉर्मल्स आप लोगों ने ऐसे देखे होंगे, जो बहुत सारे मतलब कॉलर के ऊपर डिजाइन होती है, या फिर पैटर्न होते, तो वो भी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जितना वो सिंपल और डिसेंट होगा, उतने ज्यादा आप लोग क्लासी और सेक्सी दिखोगे। साथ ही जब भी आप लोग फॉर्मल शर्ट को वेयर करोगे, तो प्रॉपर उसके जो स्टिचेस है, जो शोल्डर के तरफ ही एंड होने चाहिए। अगर वो ज्यादा ऊपर या फिर ज्यादा नीचे हो, तो सिंपली उसको रिटर्न कर दो, या फिर मत लो। और अगर मैं पैंट्स की बात करूं, तो यहाँ पे दो बातें हमेशा याद रखना। सबसे पहले तो उसकी लेंथ, जो प्रॉपरली एंकल तक ही खत्म हो जानी चाहिए। अब पैंट का जो एंड वाला पार्ट है, वो अगर ज्यादा ऊपर रहेगा, तो वो छपरी दिखाएगा, और वो ज्यादा लूज होगा, तो उससे आपके शूज ज्यादा ढक जाएंगे, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्मल पैंट लेते वक्त, मतलब ट्राउजर वगैरह लेते वक्त, आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप लोग उसको वेयर करोगे, जो आपका जो बम है, तो उसको भाई वो प्रॉपरली फिटेड होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बहुत सारे लोग इसको लूज में वेयर करते हैं, बट ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो स्पेशली जब भी आप लोग टक इन करते हो, तो इस रूल को हमेशा याद रखना। साथ ही में मेरे बहुत सारे भाई एक गलती करते हैं, जो इवन मैंने भी करी थी, वो फॉर्मल पैंट को नैरो या फिर अल्टर करवा लेते हैं। देखो दोस्तों, आप लोग एक बार जींस को कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा दिखेगा वो नैरो में, बट भाई फॉर्मल्स को ज्यादा नैरो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो स्ट्रेट फिट होगा, तो वो भाई परफेक्ट लुक देगा आप लोगों को। अब बात करते हैं रूल नंबर टू, वो एक कलर गाइड को लेकर। देखो, आप लोगों ने फॉर्मल शर्ट में बहुत सारे ऐसे देखे हुए, जैसे कि मतलब स्ट्राइप वाले, या फिर बॉक्स वाले, या फिर अलग अलग पैटर्न होते हैं उसके ऊपर, या फिर सबसे वायर वो शाइनी वाले, जो बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं लेना चाहिए। अगर मैं बॉक्स फॉर्मल शर्ट्स की बात करूं, देखो अगर आप लोग किसी इवेंट में वगैरह जा रहे हो, तो मोस्टली आप लोग उसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। बट जैसे अगर आप लोग किसी कैजुअल मीटिंग में जा रहे हो, या फिर मतलब किसी छोटे मोटे फंक्शन में जा रहे हो, तो तभी स्पेशली आप लोग थोड़े से बॉक्स वाले मतलब पैटर्न को यूज कर सकते हो। अब देखो, ऐसा कुछ मतलब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, मैंडेटरी नहीं, अगर आप लोगों ने नोटिस करा होगा, तो ज्यादातर मतलब बॉक्स वाले मतलब फॉर्मल्स आप लोगों ने देखे होंगे, तो बॉक्स वाले होंगे, तो उसके ऊपर ज्यादा बड़े या फिर मीडियम बॉक्स नहीं होने चाहिए। अगर प्रिंट की बात करो, तो प्रिंट और बॉक्स वाली जो प्रिंट होती है, तो वो भाई छोटी छोटी होनी चाहिए, तभी वो जाके अच्छा दिखेगा। मेरे बहुत सारे भाई ये भी पूछते हैं कि भैया, मतलब हमारा स्किन टोन थोड़ा सा डार्क है, तो हमारे लिए कौन से फॉर्मल के कपड़े अच्छे होंगे। तो देखो, स्पेशली ना आप लोगों ने थोड़े से डार्कर कलर साइड पे जाना चाहिए, जैसे कि मतलब ब्लैक हो गया, मरून हो गया, ग्रे हो गया, और भी ऐसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लेना। अब जब आप बहुत ही लाइट कलर के शर्ट्स को वेयर करोगे ना, तो हो सकता है ज्यादातर ना मतलब आपके स्किन टोन के ऊपर ज्यादा फोकस जाएगा। अगर आप लोग का स्किन टोन थोड़ा सा मतलब फेयर साइड है, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, तो ये सारे कलर को भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, स्पेशली फॉर्मल्स में। अब इसमें मेरे बहुत सारे भाइयों की दिक्कत क्या होती है, कि भाई मतलब समझ में नहीं आता कौन से पैंट के नीचे कौन से शर्ट पहनना चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, तो इसका भी स्क्रीनशॉट जरूर से निकाल लेना। साथ ही में एक रूल हमेशा याद रखना, जब भी आप लोग डार्क कलर के शर्ट को वेयर करोगे ना, जैसे कि समझ लो अगर आप लोगों ने थोड़े से लाइट ग्रे कलर का शर्ट को वेयर कर लिया, तो आप लोग वहां पे ना ब्लैक कलर की पैंट को वेयर कर सकते हो। अगर आप लोगों ने ब्लैक कलर के शर्ट को वेयर कर लिया, तो आप लोग वहां पे ना लाइट ग्रे कलर की पैंट को वेयर कर सकते हो। तो भाई, इस सीक्रेट को आप लोग हमेशा फॉलो कर सकते हो, इस सीक्रेट को मैं भी फॉलो करता हूं। अब बात करते हैं रूल नंबर 3, फॉर्मल्स हमें ना कौन से ओकेशन के अकॉर्डिंग वेयर करना चाहिए। और मोस्टली आप लोग ये तो पूछते हो कि भैया, मतलब मैं शादी में जा रहा हूं, क्या मैं फॉर्मल्स को वेयर कर सकता हूं? तो देखो, इसका आंसर है हाँ। स्पेशली आप लोग फॉर्मल्स को ना अपने ऑफिस में हो गया, या फिर इवेंट में हो गया, मोस्टली आप लोग शादी में भी वेयर कर सकते हो। शादी में बहुत सारे लोग सूट को भी वेयर करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वहां आप लोग वहां पे वेयर कर सकते हो। मोस्टली जो ओपन पार्टीज होती है, या फिर किसी फंक्शन होता है, तो वहां पे भी आप लोग फॉर्मल्स को वेयर कर सकते हो। मैं हाल ही की बात बताता हूँ, देखो गूगल ने ना मुझे इन्वाइट करा था किसी इवेंट के लिए, वहां पे ना मोस्टली बहुत सारे लोगों ने ना कैजुअल्स को वेयर करा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आजकल बहुत सारे मतलब इवेंट्स में कैजुअल को भी वेयर करते हैं।
जाते हैं जो काफी ज्यादा अच्छा लुक देता है। अब आप लोग सोचो कि मतलब फॉर्मल्स मतलब यार भैया ने शायद टाई वाई लगाया होगा या फिर कोट पहना होगा, ब्लेजर पहना होगा, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मैंने जस्ट मतलब ब्लैक शर्ट को वेयर करा था, सिंपली ग्रे पैंट को वेयर करा था, ब्लैक शूज थे, ब्लैक बेल्ट थे, और जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते। तो भाई आप लोग ही बताओ कॉमेंट में कि मतलब भाई कैसा लग रहा हूं मैं। और एक बात बताओ, मैंने ना एक ऊपर का बटन भी ओपन करा था। वैसा नहीं कि मतलब फॉर्मल कपड़े को पहन रहे हो तो मतलब भाई यार पूरा आप लोग देखो उसको ना थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने एक बटन को ओपन करा था, मतलब एक अच्छी हेयर स्टाइल रखी थी, जिस वजह से ना ये आप लोग को एक फॉर्मल के साथ साथ एक अच्छा स्टाइलिश लुक भी देगा। जरूरी नहीं कि मतलब आप लोग को सिर्फ टाई को ही वेयर करना है, फिर मतलब सारे बटन को लगाना है, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं। बट आप लोग किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ऑब्वियसली आप लोग को सारे बटन को लगाना पड़ता है, और प्रॉपरली आप लोग को हेयर स्टाइल हो गया या फिर जो आप लोग की ओवरऑल पर्सनलिटी, तो वो भाई डिसेंट लगनी चाहिए, वहां पे भाई सेक्सी मत बनना। अब बात करते कुछ शूज रूल को देखे। देखो शूज ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मल के साथ। बहुत सारे लोग मतलब कैजुअल या फिर जो लोफर्स होते हैं, जो कैजुअल लोफर्स होते हैं, तो उसको फॉर्मल के साथ वेयर करने का ट्राई करते हैं, तो भाई ऐसी गलती आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करनी। तो फॉर्मल के लिए एटलीस्ट आप लोग को एक पेयर मतलब लेना चाहिए, और बहुत ही मतलब नॉर्मल रेट में मिल जाता है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलता है। अगर मैं शूज के टाइप की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा पॉइंटेड या फिर बहुत ही ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। अगर उसका सोल की बात करो तो सोल ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो कुछ शूज की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही में आप लोग का बजट कम है तो हमेशा ध्यान रखना है शूज के ऊपर ना कोई डिजाइन हो गया, फिर पैटर्न हो गया, या फिर बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि आप लोग देख रहे हो, तो ऐसे सारे टाइप के आप लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। अब देखो ये बुरे नहीं होते, बट अगर आप लोग का बजट कम है, अगर आप लोग उसको रिपीटिवली यूज करना चाहते हो तो वो प्लेन हो गए तो वो काफी ज्यादा अच्छा दिखेगा। साथ ही में कलर की बात करूँ तो बजट कम है तो नॉर्मली आप लोग ब्लैक या फिर ब्राउन में जा सकते हो, स्पेशली मैं आप लोग को ब्लैक ही रिकमेंड करूंगा। साथ ही में सॉक्स की बात करूँ तो आप लोगों को जो नो शो सॉक्स होते हैं, मतलब जो एंकल सॉक्स होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा अवॉइड करना है, तो हो सके तो आप लोग फुल लेंथ वाले सॉक्स को ले सकते हो। कलर की बात करूँ तो व्हाइट छोड़ के आप लोग जो ब्लैक हो गया या फिर ग्रे होते हैं या फिर बहुत सारे आप लोग जैसे कि देख सकते हो तो उसको ले सकते हो। अब इसी के साथ अगर मैं बेल्ट के रूल की थोड़ी सी बात करूँ तो देखो बेल्ट का कलर और शूज का कलर ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सेम होना चाहिए। अब मैं एग्जैक्टली सेम कलर की बात नहीं कर रहा, बट जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अब जब आप शर्ट को टक इन करते हो तो आप लोगों का बेल्ट और शू दोनों विजिबल होते हैं, और वो अगर अलग अलग होंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। अब इसी के साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एक्सेसरीज को लेकर। अब देखो फॉर्मल के साथ हम लोग कौन से एक्सेसरीज को वेयर कर सकते हैं, अभी हमें बहुत बार समझ नहीं आता, बहुत सारे लोग फॉर्मल के साथ बहुत सारी मतलब चीजों को वेयर कर लेते हैं, तो देखो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना कम से कम जैसे कि आप लोग एक वॉच या फिर एक ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो, ब्रेसलेट का कलर की बात करो तो नॉर्मली वो सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया या फिर ब्लैक कलर, ये तीन कलर में से होगा तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक देने वाला है। अब बात करते हैं हमारे प्रो टिप की। मेरे बहुत सारे भाई पूछते हैं कि भैया मतलब हम लोग कैजुअल और फॉर्मल मतलब ऐसा क्या ले सकते हैं, कोई एक चीज जो हमें दोनों के लिए मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल होगी और हमारा बजट भी कम है। तो देखो एक ऐसी चीज है जो आप लोग जरूर से उसको ले सकते हो, ट्राई कर सकते हो, वो है चीनोज। अब चीनोज ना नॉर्मली आप लोग थोड़े से फॉर्मल में भी वेयर कर सकते हो, अब ये डिपेंड करता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसी के साथ आप लोग ना उसको कैजुअल में भी वेयर कर सकते हो, बजट कम है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो आई होप तुम लोग को आज का वीडियो पसंद आएगा, तो आप लोग मेरे और भी यहाँ पे वीडियोस देख सकते हो। तो मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस।